Morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से ना सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, गुड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको बोला था अभी कुछ दिन पहले जब लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे कि मैं संडे को आपको एक वीडियो दूंगा अलग से. मैं आपको पूरी कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा, अच्छे से अपने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में एक आधे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दुनिया के काफ़ी बड़े अवार्ड्स हैं, तो अपन देखेंगे कि किन किन को ये अवार्ड मिला है, इसकी हिस्ट्री में देखेंगे कब स्टार्ट हुए, फिर प्रेजेंट देखते हैं और जानते हैं कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं इस साल 2019 के अवार्ड. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो अपन थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, देखिए लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो एक एनुअल अवार्ड है जो कि इंडिविजुअल्स को या फिर टीम्स को दिए जाते हैं उनके काम के ऊपर, ओके, उनके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके अचीवमेंट के ऊपर थ्रू आउट द ईयर उनका जो अचीवमेंट होता है उस चीज को लेकर. इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 के अंदर बाय द लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन और डैमलर जो मर्सिडीज के जो ओनर है उनके द्वारा इसको फंड किया जाता है, रिचमाइंड है और सपोर्टेड बाय द ग्लोबल पार्टनर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मर्सिडीज बैंड हो गए, ओके, इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है. आगे देखते हैं, ये मैंने आपके हिंदी में भी बनाया है, अगर आपको कोई इसको पढ़ना है तो आपकी उसको PDF जो है आपको वाईफाई सिटी ऐप पे मिल जाएगी. ओके, अब देखिए ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में दिए जाते हैं. 100 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो है अराउंड द वर्ल्ड, 40 कंट्रीज जो है इसको सपोर्ट भी करते हैं और ये इसलिए बनाए गए ताकि दुनिया के अंदर वायलेंस को कम कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कम कर सके, स्पोर्ट्स से जो गैप है दुनिया के बीच में उसको कम किया जा सके. और ये एक्चुअली जो ये लॉरेंस वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही यही होता है विक्ट्री इन द एथलीट. जो विक्ट्री होती है ट्रेडिशनल सिंबल है ये विक्ट्री का, ओके, तो उसके तौर पर ही इस वर्ड का ओरिजिन हुआ और इसको स्टार्ट किया गया. ज्यादा पुराने नहीं है, 1999 का ही अवार्ड्स है, लेकिन काफी फेमस और काफी बड़े अवार्ड माने जाते हैं. दुनिया के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं वो एक ही जगह पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि दुनिया के बहुत कम जगह देखने को मिलता है. पहली सेरेमनी जो हुई थी वो 25 मई 2000 को ही मोंटे कार्लो के अंदर, जहां पे नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे स्पीच दी थी अपनी डिलीवर स्पीच. 8 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया गया 2019 में और ठीक है, रेसिपियंट जो थे ईच अवार्ड के उनको एक स्टैट्यूट दिया गया. और इसके अलावा एनुअल सेरेमनी जो हुई है वो कई लोकेशन पे दुनिया भर में होती है. 2019 के अंदर सेरेमनी जो हुई है वो 11 सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हुई और ब्रॉडकास्ट करी गई 160 कंट्रीज के अंदर. आप देख सकते हैं कितना बड़ा अवार्ड है, कितनी जगह पे इसको टेलीकास्ट किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस बार के जो अवार्ड्स हैं वो किसको मिले हैं, क्या रहा है. स्विस टेनिस प्लेयर जो है रॉजर फेडरर, वो दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं. 6 बार इस अवार्ड को जीता है उन्होंने, 5 बार फॉर द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और 1 बार कमबैक ऑफ द ईयर जो कि इस साल का मिला है. अ नंबर ऑफ अवार्ड्स हैज बीन रेसेंडेड, नेमली दोज प्रेजेंटेड टू अमेरिकन साइक्लिस्ट लैंस आर्मस्ट्रांग. तो लैंस आर्मस्ट्रांग को भी इस अवार्ड से नवाजा गया था लेकिन वापस ले लिया गया क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस लगे थे. मैरिन जोन्स है, कैनेडियन एम्प्यूटी है एक प्लेयर, आर्ले, तो ऐसे कुछ एक प्लेयर्स है जिनसे वापस भी ले लिया गया
बिकॉज इनके ऊपर डोपिंग चार्जेस लगे हुए थे। लांस आर्मस्ट्रांग का तो आपको मालूम भी होगा। अब इसके अलावा देखते हैं दोस्तों 2019 के अवार्ड, देखते हैं किस किस को क्या क्या मिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो जोकोविक को मिला है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है। स्पोर्ट्समैन ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो सिमोना को मिला है जिमनास्टिक के अंदर, ठीक है। ये दोनों आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमबैक ऑफ द ईयर का 2000 इस बार का जो मिला है वो टाइगर ब्रुक्स को मिला है, यूएसए के गोल्फर है, आपको मालूम है, ठीक है। तो टाइगर ब्रुक्स को मिला है, इनको नहीं मिला है, अपने रोजर फेडरर को नहीं मिला है। और अपनी जो विनेश फोगाट है वो इसके अंदर नॉमिनेट हुई थी, ये भी बहुत बड़ी बात है, पहली वुमेन थी जो कि इतने बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, तो कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट करी गई थी। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर की बात करें तो नियोमी ओसाका जापान की। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद ए डिसेबिलिटी, यहां पे हैरियंटा को मिला। एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कॉले किम को स्नोबोर्डिंग के लिए। टीम ऑफ द ईयर ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के वर्ल्ड कप जो टीम है उसको इस अवार्ड से नवाजा गया। स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर जो है वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया जिया बोयू ने चाइना ने, उनको मिला है। एकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ठीक है, किपचोगे है, केन्या के लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उनको मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे वेंगर को मिला फ्रांस के। स्प्रिंट ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो लिंडसे वॉन को मिला यूएसए। और स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मिला युवा को, युवा ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये चार अवार्ड जो है ऊपर के ये याद करने हैं आपको, चार अवार्ड जो है इतने याद कर लो, आपका पेपर में इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। साथ में टीम ऑफ द ईयर याद रखना है जो कि फ्रांस को मिला है, और ये लास्ट वाला स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, क्योंकि ये इंडिया को गया है अवार्ड, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युवा क्या है, एनजीओ युवा क्या है, ये गर्ल्स के लिए काम करता है, उनको जो बहुत ही गरीब फैमिली से होती है झारखंड के अंदर रूरल एरियाज में, तो उनको टीम स्पोर्ट्स सिखाना, एजुकेट करना, कॉन्फिडेंस करेज को बिल्डअप करना, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। फुटबॉल वुटबॉल में पार्टिसिपेट करवाते हैं उनको अच्छे लेवल पे। 2009 में शुरुआत करी गई अमेरिकन फ्रेंड्स के द्वारा, ओके। और इसको कई सारे अवार्ड मिले और अभी लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके दोस्तों। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, डिस्कस किए ये अवार्ड्स और काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, पेपर में इसमें सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे देश के पूरे एजुकेटर आपको किसी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे पढ़ाते हुए मिलेंगे, तो उसको सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करके उसको पूरा फायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।